केमिकल बॉन्डिंग एटा हला सेकंड चैप्टर देखो केमिकल बॉन्ड आमे का कोचे हला व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड आगो डेफिनेशन ए केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स टुगेदर द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल से कोन कहउची ना केमिकल बॉन्ड आमे का कहिबा मींस गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन कर गोटे दिटा एटम और मॉलिक्यूल भितर सपोज मुझे मॉलिक्यूल नौ कार्बन डाइऑक्साइड नेली है कार्बन ये रहा ऑक्सीजन एपटे गोटे ऑक्सीजन एपटे गोटे तो जो फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको सब होल्ड कर रखी मीनस बाइंड कर बांधिकिना रखी क्या सहित आपको आ सहित बांधि रखी आपको सहित बांधिक रखी होल्ड कर रखी एकाठी से रही सब आटम गरा मिसिकी गोटे मॉलिक्यूल होती तो से जो फोर्स टा को हम कहे केमिकल बॉन्ड बुझीगला ये गोटे मॉलिक्यूल मुझे कार्बन डाइऑक्साइड ये रखिली कार्बन एपटे गोटे ऑक्सीजन एपटे गोटे ऑक्सीजन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा ए कार्बन ऑक्सीजन दीटा को निज निज भितर होल्ड कर रखी मीनस बाइंड कर बांधिक रखी तो आम कहे केमिकल बॉन्ड बुझी सब जेन वाटर मॉलिक्यूल H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ताको जे बांधी कि ना फोर्स टा गोटे बांधी कि रखी बोले से माने एकटी हे अछंदी ना हाइड्रोजन को अलग ऑक्सीजन को अलग एम के बोलु छंदी तो माने गोटी जगह स्टेबल हे रही छंदी तो ताको जो फोर्स टा बांधी कि रखी बाइंड कर रखी और होल्ड कर रखी ताको ही हमें कहू छे केमिकल बॉन्ड बुझी हो छी यस मैम हाउ देन देखो आमर केमिकल बॉन्ड को आमे कोन करचे ना थ्री टाइप रे डिवाइड करचे तीनटा टाइप रे आमे केमिकल बॉन्ड को डिवाइड करचे कोन कोन देखो वन होची इलेक्ट्रो वैलेंट और तको आमे कहि परबा आयोनिक नोट्स ते भी घर जाय सब पढिबो इलेक्ट्रो वैलेंट और आयोनिक बॉन्ड आ कौन कहवा ना कोवैलेंट बॉन्ड थर्ड टा कौन ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ताको कौन थी डेटिव बॉन्ड इलेक्ट्रो वैलेंट और आयोनिक बॉन्ड गोटे टू हेला कोवैलेंट बॉन्ड गोटे थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड तीनटा टाइप रा हमरो केमिकल बॉन्ड अछि तो देखो हमें पढ़ा तुम जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर टारे इलेक्ट्रो वैलेंट और आयनिक बॉन्ड गोटे पढ़ा तादेर हम दीटा एग्जांपल नहीं कि पढ़ा कौन गोटे सोडियम क्लोराइड नवा आ गए मैग्नीशियम क्लोराइड दीटा एग्जांपल विषय पढ़ा सेमती कोवैलेंट बॉन्ड रे आम सतटा एग्जांपल अच्छी कौन ना क्लोरीन मॉलिक्यूल गोटे अच्छी वाटर मॉलिक्यूल अच्छी तो आम मिथेन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एमती कत मॉलिक्यूल अच्छी सतटा कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड रे आम पढ़ा कितने ना दीटा एग्जांपल कौन ना फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गोटे अच्छी गोटे अमोनियम आयन अच्छी है तो ये जो एगार टा देख इलेवेन टा एग्जांपल अच्छी चैप्टर खाली कौन रहा पढ़ दीटा एग्जांपल एटा पढ़ सतटा एग्जांपल एटा पढ़ सहित दीटा एग्जांपल ए 11 टा एग्जांपल पढिबो चैप्टर फिनिश हैला ए जे एग्जांपल कहचे छोटिया छोटिया नुआ केट बड बड लिखिबो देखो देन होची तमरो आमे स्टार्टिंग करिबा इलेक्ट्रो वैलेंट और आयनिक बॉन्ड कहा कोंती हैला फर्स्ट टा स्टार्टिंग करचे इलेक्ट्रो वैलेंट और आयनिक बॉन्ड रे डेफिनेशन का सुनो सच कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्मड बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स From one atom to the other atom are called electrovalent or ionic bond. देखो electrovalent ionic bond आमे कहाँ को कहीं बा? ना गोटे example मुने की तमु को पूछे दो जी. देखो, आमे गोटे first example ना बा. Example one, formation of sodium chloride molecule. फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल सुबुची ना नहीं रे सोडियम क्लोराइड कौन यस मैम हम जो खाउ छे लूणा जो खाउ छे ला सॉल्ट एनएसएल हां देखो
ତ ସୋଡିୟମ ଏଇଟା କୁ ବି ନେଇ ଟେଷ୍ଟ ହବ ହେଲା, ଲ୍ୟାବରେ ବି ତମେ କରିବ ତ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ନେଇକି ଦେଖ ଇନ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମଲିକୁଲ କେମିତି ଫର୍ମେସନ ହଉଛି ନା ତା ଦେହରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଭାଲେଣ୍ଟ ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ ହଉଛି। ତମେ ଏବେ ଆସିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଭାଲେଣ୍ଟ ଆର ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ କଣ ଦେଖ ବୁଝିବା। ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ରେ ମୁଁ ଆକୁ ଧର ବ୍ରେକ୍ କଲି, ଭାଙ୍ଗିଲି, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି, ଆମେ କଣ ପାଉଛେ ସୋଡିୟମ Na ପ୍ଲସ ଆଉ କଣ ପାଉଛେ Cl ମାଇନସ ପାଉଛେ। Cl minus. ହଁ ଲୁହ, ତ ମୁଁ ଲେଖିଲି ସୋଡିୟମ ଗୋଟେ କଲମ କରିଦବା, କ୍ଲୋରିନ ଗୋଟେ କଲମ, ହେଲା କିଛି ଆୟନ ନାହିଁ, Na ପ୍ଲସ ନାହିଁ କି Cl ମାଇନସ ନାହିଁ, ଖାଲି ସିମ୍ପଲ ସୋଡିୟମ ସିମ୍ପଲ କ୍ଲୋରିନ ମୁଁ ନେଇଛି। ଦେଖ ସୋଡିୟମ ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କେତେଟା ଅଛି, ସୋଡିୟମ ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କେତେଟା, 11টা ଏଗାରଟା, 11টা ଆଟମିକ ନମ୍ବର ତାର କେତେ ନା 11। ଆଉ ପ୍ରୋଟନ କେତେଟା ଅଛି କୁହ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯେତିକି ପ୍ରୋଟନ ଯେତିକି, ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ଯୋଉଟା ହେଲା କେମିତି କରିବା, 11 ଅଛନ୍ତି, 1s କେତେ, 1s 2 2 କେତେ କୁହ, 6 6 ତାପରେ କୁହ, 3 7 ବୁଝିହଉଛି। ତ ଆମର କେତେ ରହିଲେ ଦେଖ 2 8 ତା ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ରେ କେତେ ରହିଲା, ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ରହିଲା ହେଲା। ଦେନ ଆସ ଏଠିକି କ୍ଲୋରିନ କେସ କୁ ଆସ, କ୍ଲୋରିନ ର ଆଟମିକ ନମ୍ବର ହେଲା 17। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କେତେଟା, 17 17 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ କେତେ,
ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଆକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲେଖିଥାନ୍ତା ଟୁ ପ୍ଲସ ଏଠି ଦିଟା ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ଲେଖିଥାନ୍ତା ଟୁ ମାଇନସ ହେଲା ତ ସେ କହିଲା ୱାନ୍ ଅର୍ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଆଟମ୍ ଟୁ ଆନାଦର ଆଟମ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଆଟମ୍ ରୁ ଆନାଦର ଆଟମ୍ କୁ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କଣ ସେଠି ଫର୍ମେସନ ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଭାଲେଣ୍ଟ ଆଉ ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ହେଲା ବୁଝିହଉଛି କେତେଟା ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗଲା ନା ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ହେଲା ଯଦି ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଦିଟା ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥାନ୍ତା ବୁଝିହଉଛି ନା କଣ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବି ନା କଣ କହୁଛ।